हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज है 27 सितंबर 2024 से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसको इस वीडियो में हम देखेंगे, और साथ ही इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंप दिया है। बिलासपुर, कोरबा और बेमेतरा जिले का प्रभार किसे दिया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, अरुण साव, बृजमोहन अग्रवाल, डॉक्टर रमन सिंह, विजय शर्मा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। अरुण साव जी को क्या है, बिलासपुर, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और बेमेतरा को दिया गया है। ये तीन जिले इसके क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। जब अब बार दिया है जिले वार, तो तीन जिले को ये संभाल लेंगे। अभी वर्तमान के यहाँ क्या है, तो छत्तीसगढ़ के क्या है, डिप्टी CM है, ठीक है, उप मुख्यमंत्री हैं, और विजय शर्मा जी भी उप मुख्यमंत्री है, ठीक है। और बस्तर का ये क्षेत्र बृजमोहन अग्रवाल को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मामले में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, पांचवा, तीसरा, दूसरा, आठवां। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है, पांचवा, ठीक है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो ए स्थान प्राप्त किया है। कहने का मतलब ये इसका राइट है, यहाँ पाँचवें नंबर पर है। और किस दर पर है उसको भी आप देख लीजिए, बेरोजगारी दर पे पांचवे स्थान इसको प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चर्चा में रहा चांदनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, सरगुजा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, तो बिलासपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चांदनी जलप्रपात कहाँ है, तो बिलासपुर ज़िले में स्थित है। अब बिलासपुर की बात आई है, तो बिलासपुर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बिलासपुर की स्थापना 2 नवंबर 1861, मुख्यालय बिलासपुर, बिलासपुर अरपा नदी के किनारे बसा है, उद्गम गवरेला पिंडरा मरवाही पठार से हुआ है, सहायक नदी खारंग नदी, 1920 खुटहा घाट, संजय गांधी परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है, चक्करभाटा हवाई पट्टी सेना के अधीन है, जनजाति यहाँ पर निवास करते हैं, बैगा बैना धनवार यहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र त्रिफला, सिरगिट्टी, दगोरी, सिलतरा, लगरा ट्रैफिक पार्क यहीं पर स्थित है। जो चट्टाने हैं, कड़प्पा क्रम की चट्टाने हैं, मुख्य खनिज डोलोमाइट, ठीक है, खनन हर्री माइंस द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब देखते हैं प्राचीन पर्यटन ऐतिहासिक स्थल मलार, सरपुरी शासक प्रसन्न मात्र द्वारा इसको बसाया गया है, और यहीं पर है डिडनेश्वरी माता मंदिर, बूढ़ी खार में है, चतुर्भुज विष्णु की प्राचीनतम मूर्ति है, और यहीं पर है पातलेश्वर मंदिर। काफ़ी बार पूछा जा चुका है पातलेश्वर मंदिर कहाँ है, तो बिलासपुर में स्थित है। तालागांव छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम देवरानी जेठानी मंदिर यहीं पर स्थित है। चबरखेड़ा, ठीक है, सातवाहन कालीन के स्वर्ण सिक्के यहीं से क्या है प्राप्त किए गए हैं। रतनपुर प्राचीन कुबेरपुर मणिपुर छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी, छत्तीसगढ़ के तालाबों का शहर महामाया मंदिर, ठीक है, यह 11वीं सदी में निर्मित रत्नदेव प्रथम राम टेकरी मंदिर स्थित है। लथुरा शरीफ मुस्लिमों का धर्म स्थली, और बिलासपुर वन वृत्त क्षेत्रफल प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त क्षेत्रफल में आता है, और ACCL, ठीक है, 1987, मुख्यालय बिलासपुर जो CIL के अधीन है, उपकर्ण NTPC
2002 सिपत जो उसकी उत्पादन क्षमता है 2980 मेगावाट है, और इसकी जो उत्पादन 2008 से प्रारंभ किया गया है। और आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 2000, ठीक है। ग्राम पंचायत बोदरी, और यहाँ भारत का क्या है, 19वां उच्च न्यायालय है, तो कौन सा, बिलासपुर, ठीक है। 2003 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की मुख्यालय घोषणा 1994 में, और जो सृजन है, ठीक है, जो बना 2003 में बना, ठीक है। और यहाँ भारत का यहाँ 16वां जोन है अपना बिलासपुर, ठीक है। और यहीं पर है कानन पिंडारी जो स्थित है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का शिवाकांसी माचिस उद्योग के लिए भी इसको जाना जाता है। चलिए, इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोनहा घर पडुम, जिसका अर्थ बेघर के लिए आवास त्योहार होता है, यह कार्यक्रम किस जिले में चलाया गया? चार ऑप्शन दिए गए हैं, रायगढ़, दंतेवाड़ा, सुकमा, सूरजपुर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। दंतेवाड़ा जिला में क्या है, तो ढोड़ा घर पंडुम, ठीक है, पंडुम, यहाँ क्या है, कार्यक्रम चलाया गया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आवास की ओर ले जाना है, जिसका घर नहीं है उसको आवास प्रदान किया जाए, ठीक है। शासन की ओर से जो लाभ है उस व्यक्ति को या उस पर्सन को मिलना चाहिए, जिससे उसके रहने के लिए घर बना सके या उसमें वह अपना जीवन यापन कर सके। तो इस योजना के तहत में ये दंतेवाड़ा ज़िले में चलाया गया है। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि इस मेरे वीडियो से यदि आपको हेल्पफुल मिला हो, तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंडिया गार्ड।